मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे आला दर्जे का ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो अच्छे अखलाक की खुद आपने तारीफ फरमाई। आपने कहा अबू हुरैरा अपने अखलाक अच्छे करो। वो कहते हैं या रसूलल्लाह अच्छे अखलाक क्या होते हैं? तो आपने कहा तसलु मन कताक वतुअति मन हरमक वतअफु अम्मन ज़लमक। अबू हुरैरा अच्छे अखलाक का आखिरी पैमाना ये है कि जो तोड़े उससे जोड़ो, जो मुंह मोड़ जाए उन जाके वो सलाम करो, सिर तो लेके पैर तक पसीना आ जाएगा। जो तोड़े उससे जोड़ो, वतोती मन हरमक जो तुमसे तुम्हारा हक ले ले तुम उसे उसका हक उसके घर पहुंचा दो, वताफो अमन दलमक जो ज्यादती करे उसे माफ कर दो। हज़रत उमर का फरमान सुनो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ايها الناس لا تغرنكم تنتنت الرجل بالليل في صلاته। लोगों किसी को तहज्जुद में रोता देख के ये ना समझने कि बड़ी पहुंची हुई सरकार है। ان الرجل الرجل من ادى الامانه اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده। उमर जैसी हस्ती फरमा रहे हैं कि सुन लो कामिल कामिल इंसान वो है जो किसी को धोखा ना दे और जो किसी को दुख ना पहुंचाए, वो है कामिल इंसान। हमारे माहौल में इबादत गालिब हैं और अखलाक मगलूब हैं। तो लंबे लंबे नफल हर साल हज करना, उम्र पे उम्र करना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह को पसंद है, महबूब है, लेकिन कमाल इबादत से नहीं आता, कमाल अखलाक से आता है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि इस्लाम है मीठा बोल बोलना, खाना खिलाना। फिर वो पूछता है अच्छा या रसूलल्लाह अय्युल इस्लाम अफ़ज़ल, इस्लाम का सबसे आला दर्जा क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही वयदिही, जो अपने हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, ये सबसे आला दर्जे का मुसलमान है। आप देखिए आप क्या फरमा रहे हैं, क्या खूबसूरत बात। जो जिहाद करता है वो सबसे आला दर्जे का मुसलमान है, जो तबलीग करता है, जो ज़िक्र के सारे और मुराकबे के सारी मनाजिल तय करता है, जो इल्म के समंदर में गोते लगाता है, जो रातों को उठ उठ के रोता है, जो इतने हज़ार दफ़ा ये पढ़ता है, इतने हज़ार दफ़ा ये पढ़ता है, इतने हज़ार दफ़ा ये पढ़ता है, जो हर साल हज उमरे करता है, नहीं, सबसे आला दर्जे का मुसलमान वो है जो किसी को तकलीफ ना पहुँचाए। खैरुन्नास मन यन्फ़ुन्नास, आपने फरमाया सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दुनिया के किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाए, नफ़ा पहुंचाए। इंसान मुस्लिम भी नहीं कहा, इंसान हर इंसान के लिए जो सुख का वायस बन रहा है और दुख नहीं पहुंचाता, वो सबसे आला दर्जे।